गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड, मैं भी बढ़िया हूँ। अभी आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो आप सभी कौन सी कक्षा में हो? आप सभी पहले कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ, तो बच्चों आपके पास ये बुक होगा, हिंदी अक्षरमाला भाग ओ। हाँ, तो उसमें से आप पेज नंबर 36 निकालो सब। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण दिया हुआ है? अंग, यानी कि ओ इस वर्ण के ऊपर क्या आता है? अनुस्वार आता है, ठीक है। और इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको 38 पेज नंबर पे अ के सामने दो बिंदु दिखेंगे, तो इन्हें क्या बोला जाता है? विसर्ग। क्या बोला जाता है? विसर्ग। तो ये बन जाएगा आहा। क्या बन जाएगा? आहा। तो आज हम अंग और आहा इन दो वर्णों की पहचान करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आप, यह हमारा कौन सा वर्ण है? अ वर्ण है। तो अ वर्ण से क्या आता है? अनार आता है। अ से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, जैसे कि अ से अनार, ठीक है। तो इसी अ को हमने यहाँ पे लिया है और इसके ऊपर हमने क्या दिया है? अनुस्वार। क्या दिया है यहाँ पे देखो? अनुस्वार। तो ये बन गया अंग, ठीक है। और अभी देखो, अ अंग से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, जैसे कि अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी। हाँ, ठीक है। उसके बाद यह अ को हमने यहाँ पे लिया और इसके आगे हमने कितने बिंदु दिए? दो बिंदु दिए। तो ये बन गया आहा, ठीक है। तो ये दो बिंदु जो हैं, इन्हें विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग। और इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। यह अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इस वर्ण को हम अंग कहते हैं और इस वर्ण को हम कहते हैं आहा, ठीक है बच्चों। आपके समझ में आ गया? आपकी जो अ बुक है इसमें पेज नंबर 36-37 पे आपको अंग यह वर्ण दिखेगा और 38-39 पेज पे आहा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है? पेंसिल से लिखना है। पर इससे पहले हम कुछ अच्छे से पंक्तियाँ बोलेंगे जो आपको बहुत पसंद है ना? ठीक है, तो चलो बच्चों मेरे साथ पढ़ो। आपकी उंगली कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चलो इधर रखो उंगली। हाँ, तो देखो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, मेरे बाद आप फिर ये पंक्तियाँ दोहराओ, ठीक है। हाँ, अ से अंगूर जब घर में आते, बच्चे बूढ़े सब है खाते। फिर से, हाँ, अंग से अंगूर जब घर में आते, बच्चे बूढ़े सब है खाते। तो ये अंगूर जो है इनको अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं, हाँ, और मराठी में हम इसे कहते हैं द्राक्ष। तो ये जो अंगूर होते हैं ये बड़े रसीले होते हैं, मीठे होते हैं, तो इन्हें हमें बहुत पसंद आते हैं। हाँ, तो ये अंगूर हम क्या करते हैं? बच्चे बूढ़े घर का कोई भी सदस्य इसे खा सकता है और ये बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका, ठीक है। अंगूरों का स्वाद कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है और ये सभी को अच्छे लगते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको रीड एंड राइट, यानी कि पढ़िए और लिखिए, इसमें अंग यह आपको लिखना है। और ये लिखते समय आपको क्या करना है आपको मालूम है? हाँ, क्या करना है बच्चों? तो अंग जब यहाँ पे लिखोगे तो आपको बोल बोल के लिखना है, ठीक है। अंग से अंगूर, अंग से अंग, अंग से अंगार, इस तरह से, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारी बारी आती है एक्टिविटी की। हाँ,
एक्टिविटी कैसी होती है? मजेदार होती है। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी दी है देखो, कंप्लीट द पिक्चर, कलर इट एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, ध्यान दे दो इधर। हाँ, कंप्लीट द पिक्चर यानी कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, इसे पूरा करो। यानी कि यहाँ पे एक दो तीन चार ही अंगूर है, तो इसके आगे आपको इसके नीचे क्या करना है, अंगूर निकालने हैं। किससे निकालेंगे आप? पेंसिल से। हाँ, उसके बाद क्या करना है, कलर इट यानी कि इसको आपको अच्छे से कलर करना है, जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कलर, हाँ रंग दिया है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे उसको रंग देना है। उसके बाद क्या करना है, एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स, यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स दिया है, यहाँ पे आपको कौन सा वर्ण लिखना है, अंग यानी कि यह वर्ण आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके आगे है गुर, तो अंग लगाने से ये कौन सा शब्द बन जाएगा, अंगूर। हाँ, वेरी गुड। अभी हम आगे जाएंगे, ये तो बात आपके समझ में आई होगी, आई है ना? हाँ, वेरी गुड। तो आपको यह इसके बाद देखना है, आहा, इसके सामने क्या आता है, विसर्ग आता है, आहा। हाँ, तो यहाँ पे देखो और मेरे साथ बोलो, आहा होता है बिल्कुल खाली, बच्चों चलो बजाओ ताली। यानी कि आहा इस वर्ण से कोई भी शब्द तैयार नहीं होता है, तो ये बिल्कुल कैसा है, खाली है। हाँ, तो हम फिर एक बार बोलेंगे, आह होता है बिल्कुल खाली, बच्चों चलो बजाओ ताली। हाँ, तो आहा से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो यह जो आहा है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। हाँ, और आप यहाँ पे गृह कार्य है, ये भी आपको अच्छे से करना है पेंसिल से। हाँ, इसके बाद एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी, कलर द लेटर। बहुत ही आसान है, कलरिंग यानी कि रंग भरो, ये आपको बहुत अच्छा लगता है ना, और आपके पास कई सारे कलर होंगे। हाँ, तो इस आहा को आपको अच्छे से क्या करना है, इसमें रंग भरना है, ठीक है बच्चों। हाँ, और जो बच्चे अच्छे से इसमें कलर भरेंगे, इसको कलरफुल बनाएंगे, उनको मैं क्या देने वाली हूँ, हाँ मैं उनको देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए, चाहिए ना। हमारा ओ बुक का काम हो गया, इसकी स्टडी हमारी हो गई है ना। हाँ, तो इसके बाद हमें करना है ब बुक में वर्क, इसमें स्टडी करनी है अभी। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पेज नंबर 16 और 17 पे आपको क्या करना है, अंग और आहा अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। तो अंग से कौन से शब्द आते हैं देखो, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंग, अंग से अंगार। हाँ, और आहा से कोई भी शब्द नहीं आता, कोई भी शब्द की शुरुआत आहा से नहीं होती है। हाँ, तो ये आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। तो यह हमारा ब बुक का अभ्यास भी हो गया है, अभी स्टडी हो गया है ना। हाँ, तो इसके बाद आपके पास जो नोटबुक है, सभी के पास है ना। हाँ, तो इस नोटबुक में आपको क्या करना है, दो बार अंग लिखना है। हाँ, और इसके बाद आपको लिखना है आहा, बहुत ही आसान है ना। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपको अच्छे से लिखना है, और उसके बाद आपको दो बार क्या करना है, अ से लेकर आहा तक लिखना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया,
अंग और अहा वर्ण देखा, उसकी पहचान की है और अब हमारे समझ में आ गया है कि इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं विसर्ग। हाँ, और इन दोनों का इस्तेमाल यदि हम अ वर्ण से अ वर्ण में करेंगे तो ये बन जाता है अंग और ये बन जाता है अहा। हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा है सबके? वेरी गुड। तो अब हम आगे जाने वाले हैं। इसके बाद हमारा काम क्या है? हाँ, तो हमारा भी छोटा सा काम रह गया है। क्या है? वो है हमारी वर्कशीट। हाँ, तो हमारे स्कूल का नाम क्या है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आप सभी को मालूम है? हाँ, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लास लिखा हुआ है। आप कौन सी क्लास में हो? हाँ, पहली कक्षा में हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है हमारा सब्जेक्ट हिंदी। और अभी हम क्या, कौन सी वर्कशीट छुड़ाने वाले हैं? अंग की। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखो। ठीक है, हाँ, तो यह अंग है। कौन सा वर्ण है? अंग। तो अंग से क्या आता है? अंगूर। अंग से अंडा। अंग से अंगूठी। इस प्रकार से भी ये अलग अलग अंग से शब्द आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये शब्द नहीं लिखने आपको, आपको सिर्फ अंग लिखना है। ठीक है, हाँ, इसके बाद इसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, नीचे दिए गए अक्षरों में से अंग अक्षर को गोल करो। यानी कि यहाँ पे कई सारे अक्षर दिए हुए हैं और इन अक्षरों में कहीं कहीं पर यह वर्ण है, कौन सा? अंग। तो आपको यह अच्छे से देखना है कि अंग वर्ण कहाँ है। हाँ, और अंग वर्णों को आपको क्या करना है? गोला बनाना है। यदि ये अंग है इस प्रकार, और यहाँ पे कुछ है, इसके बाद अंग वर्ण है। हाँ, और यहाँ पे कुछ दूसरे वर्ण है, यहाँ पे भी कुछ दूसरे वर्ण है, है ना? हाँ, तो आपको सिर्फ क्या करना है? अंग वर्ण को ही गोला बनाना है इस प्रकार, और बाकी जो वर्ण है, जो अंग वर्ण नहीं है, बाकी जो वर्ण है उनको ऐसे ही खाली छोड़ना है। ठीक है, उस पर कुछ मत करो। हाँ बच्चों, हाँ, इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको अंग देख देख कर लिखना है, किस प्रकार अच्छे से ट्रेसिंग करना है ताकि आपका हैंडराइटिंग कैसा हो, अच्छा हो। हाँ हाँ, उसके बाद दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान यानी कि हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ, तो जो खाली जगह है उनको हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो बच्चों देखो, यह पहला कौन सा चित्र है? हाँ, मैं उंगली में पहनते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं अंगूठी। हाँ, उसके बाद ये क्या है? अंडा। इसके बाद ये क्या है? अंजीर। हाँ, अंजीर क्या होता है? एक फल है। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे अंग लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी अंग वर्ण की वर्कशीट हो गई। अभी बहुत ही आसान है, आप झट से कर सकते हो। हाँ, उसके बाद हमारी वर्कशीट है अहा वर्ण की। अहा आता है, हाँ, तो इसकी वर्कशीट है। ये भी बहुत आसान है। तो यह आपको अच्छे से अहा लिखना है। हाँ, उसके बाद अहा लिखो। यहाँ पे मैंने तीन बार लिख के दिया है, तो यह देख देख कर आपको इसके नीचे लिखना है। तो अहा के खाने में लाल रंग भरो। आपके पास लाल रंग होगा, होगा ना? हाँ, तो सिर्फ लाल रंग का ही इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? जहाँ पे अहा दिखेगा वो जो भाग है वही आपको क्या करना है? कलर करना है। किसके साथ? लाल रंग के साथ करना है। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ खाली भाग है वो ऐसे ही छोड़ देना है, उसको मत कुछ करो। और काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, सिर्फ लाल रंग। हाँ बच्चों,
ठीक है, यदि आप इसकी यह आपका पेज होने के बाद यहाँ तक आपका हो गया, हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज। तो अगले पेज पेज भी बहुत आसान है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे है हमारे राइटिंग की प्रैक्टिस। हाँ, तो यह आपको अच्छे से इधर ट्रेस करना है, बहुत ही आसान है। और अभी आप तो पहली कक्षा में हो, लेकिन बाद में आप दूसरी कक्षा में जाने वाले हो, है ना। हाँ, तो आपको राइटिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप अच्छे से क्या करो, पढ़ाई करो। हाँ, तो यह हमारा क्या हो गया है, हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे दो वर्कशीट है ना। हाँ, इसके बाद हम करेंगे क्लास टेस्ट। तो हमारी क्लास टेस्ट है 13 नंबर। कौन सी क्लास टेस्ट? 13 यानी 13। यह हमारी क्लास टेस्ट है। तो ये क्लास टेस्ट कौन से वर्ण से है? अंग वर्ण से है, है ना। हाँ, तो देखो मैं पढ़ रही हूँ, अच्छे से ध्यान दो बच्चों। वर्ण अन से शुरू होने वाले शब्दों पर टिक लगाओ, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको अंग वर्ण दिखाई देगा, हाँ, तो उस शब्द के सामने मैंने खाली बॉक्स दिए हुए हैं, है ना। हाँ, तो वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इस प्रकार टिक करनी है। क्या करनी है? इस प्रकार टिक करनी है। और जो बाकी जो बचे हुए शब्द है उनको कुछ मत करो। जहाँ पे सिर्फ अंग वर्ण दिखेगा, जिस शब्द की शुरुआत अंग वर्ण से होगी, वहीं पर आपको सिर्फ क्या करना है, इस प्रकार टिक करनी है। देखो इस प्रकार, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम यहाँ पे 14 नंबर। तो इस 14 नंबर के यानी कि 14 नंबर की क्लास टेस्ट पे हम क्या करने वाले हैं, देखो देखो अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ। वर्ण आहा से शब्दों की शुरुआत नहीं होती, यानी कि आह से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। वर्ण आहा सुंदर हस्ताक्षर में लिखो, यानी कि आपको क्या करना है, गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। देखो और बोल बोल कर लिखो, यानी कि यहाँ पे मैंने कितनी बार आहा लिखा हुआ है, देखो 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो आपको यहाँ पे देखकर इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, आहा लिखना है इस प्रकार, ठीक है। आहा वर्ण लिखना है सिर्फ आपको गुड हैंडराइटिंग में। और जो बच्चे अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखेंगे, उनको मैं क्या देने वाली हूँ, बड़ा स्टार। हाँ, तो आप सभी को स्टार चाहिए ना। हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। हाँ, ठीक है। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी पढ़ाई की है ना। तो आज हमने कौन सी पढ़ाई की, बताओ बताओ, किसके ध्यान में है? हाँ, तो आज हमने वर्ण अंग और वर्ण आहा, इन दो वर्णों की अच्छे से पहचान की है ना बच्चों। हाँ, उसके बाद हमने हमारे अ बुक में क्या किया, पढ़ाई की। उसके बाद हमारे ब बुक में भी कुछ पढ़ाई की, हमारे नोटबुक में पढ़ाई की, हमने क्लासेस छुड़वाए, है ना, और वर्कशीट भी छुड़ाई। हाँ, तो आज बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है ना। आज के लिए हम इतनी ही पढ़ाई करेंगे, इसके बाद हम इसके आगे के वर्णों की पहचान करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये दी हुई पढ़ाई आप अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और घर में रहो, सुरक्षित रहो, कहीं भी मत बाहर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।